पाकिस्तान के 5 करोड़ रुपयों पर भारी पड़ा भारत का 1 रुपए का सिक्का। वैसे तो हमें पहले से ही पता था कि भारत की करेंसी रुपए के सामने पाकिस्तानी रुपए की हालत बहुत पतली है। इंटरनेशनल ट्रेड एक्सचेंज में भारत के 1 रुपए के बदले पाकिस्तानियों को करीब 2.25 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में तो पाकिस्तानी रुपए की हालत और पतली हो गई। यहाँ भारत के 1 रुपए के सामने पाकिस्तान के 5 करोड़ रुपए दांव पर लगे थे, फिर भी पाकिस्तान हार गया। जी हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान पर भारत की जीत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव का पक्ष रखने के लिए भारत ने वकील हरीश सालवे को भेजा था, वहीं पाकिस्तान की ओर से बैरिस्टर खावर कुरैशी पेश हुए। जीत की गारंटी माने जाने वाले हरीश सालवे जहां कोर्ट में एक पेशी के लिए 8 लाख से 25 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं, वहीं पाकिस्तान में कुरैशी की फीस भी लाखों में मानी जाती है, लेकिन सालवे ने इस केस को लड़ने के लिए महज 1 रुपया लिया। वहीं पाकिस्तान के वकील ने अपने ही मुल्क से पूरी कीमत वसूली और 5 करोड़ रुपए वसूले। इतनी मोटी रकम खर्च करने के बावजूद पाकिस्तान को जिस तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा, उससे पाकिस्तान सरकार पर विरोधियों ने सवालों की बौछार कर दी है। विरोधियों का आरोप है कि इतनी मोटी रकम लेने के बावजूद कुरैशी कोर्ट में जोरदार दलीलें रख पाने में नाकामयाब रहे। अब एक खबर और सामने आ रही है कि पाकिस्तानी वकील ने सुनवाई के लिए अपने 90 मिनट भी पूरे नहीं किए। पाकिस्तानी वकील ने बहस के 90 मिनट में से 40 मिनट यूं ही बेकार कर दिए, और इसके लिए खावर कुरैशी की पाकिस्तान में खूब खिंचाई हो रही है। तो चलिए, एक बार फिर साबित हो गया है कि भारत की बराबरी करने की हर पाकिस्तानी कोशिश बेकार ही जानी है, चाहे वो इसके लिए जितनी भी जुगत क्यों न भिड़ाए। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।